ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे बहुत ही रोचक आध्यात्मिक कथा। आखिर भगवान शिव ने क्यों लिया था हरिहर स्वरूप? तो आइए सभी भक्तगण श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए, और यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं भगवान हरिहर की कथा। सृष्टि के तारणहार भगवान शिव और विष्णु भक्तों के कष्ट और उद्धार के लिए समय समय पर अलग अलग अवतार लेकर धरती पर आए। भगवान के सभी अवतार के पीछे खास वजह और कारण हैं। ऐसे में एक बार भगवान शिव ने हरिहर का स्वरूप धारण किया था, और यदि आप शिव भक्त हैं तो आपको भगवान के इस अवतार के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। भगवान शिव के इस हरिहर स्वरूप के पीछे की एक दिलचस्प कथा है। शिव जी का यह नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि यानी भगवान विष्णु और हर यानी स्वयं महादेव। जिस तरह भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था, उसी तरह एक बार भगवान शिव ने हरिहर रूप धारण किया था। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के इस अवतार के पीछे की कथा का रहस्य। भगवान शिव के इस अवतार का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। इसे लेकर कथा में यह बताया गया है कि एक बार भगवान शिव और विष्णु के भक्त आपस में लड़ने लगे। दोनों के भक्तों की लड़ाई शिव जी और विष्णु जी की श्रेष्ठता को लेकर हुई थी। शिव जी के भक्त कह रहे हैं भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, वहीं भगवान विष्णु के भक्त कहने लगे कि हमारे भगवान विष्णु जी श्रेष्ठ हैं। भक्तों के बीच दोनों देवताओं की श्रेष्ठता को लेकर विवाद बढ़ने लगा। तब शिव जी और भगवान विष्णु जी ने भक्त का विवाद को सुलझाने के लिए, जब शिव जी ने भक्तों की बात सुनी तो उन्हें यह विवाद बेतुका लगा। भक्तों का विवाद देख शिव जी ने उन्हें सत्य का ज्ञान करवाने के बारे में सोचा, और भक्तों के बीच देवताओं को लेकर बढ़ते संशय का निवारण करने के लिए शिव जी ने हरिहर रूप धारण किया। भगवान शिव के इस हरिहर स्वरूप में अर्धनारीश्वर की तरह एक तरफ भगवान शिव थे तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु थे। भगवान शिव के इस हरिहर रूप को देखकर भक्त आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव के हरिहर रूप के दर्शन के बाद भक्त समझ गए कि शिव और विष्णु दोनों एक ही है। इन दोनों के स्वरूप और शक्ति में भेद करना मूर्खता से कम नहीं है, और भक्तों ने भगवान शिव के इस हरिहर रूप को प्रणाम कर स्तुति वंदना की, और दोनों के ही भक्त भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्त दोनों ने मिलकर भगवान हरिहर रूप की स्तुति वंदना की, उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव के हरिहर रूप के दर्शन के लिए सभी देवी देवता भी उपस्थित हुए, और शिव जी के इस स्वरूप का स्तुति वंदन कर प्रणाम किया। बाद में इस स्वरूप का वर्णन पुराण और कथाओं में किया गया। इस तरह से यदि कभी भी भक्तों के मन में संशय हो कि हम किस देवता की पूजा अर्चना करें, तो वो किसी भी देवता की करें, क्योंकि सब एक ही हैं। चाहे भगवान शिव हो, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, सब एक हैं। बस भक्त के मन में श्रद्धा होनी आवश्यकता है, और श्रद्धा पूर्वक भक्त किसी भी भगवान का स्मरण करें, उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। तो यह था भगवान हरिहर के स्वरूप का रहस्य। यदि आप सभी इस भक्तगणों को यह कथा पसंद आई है और आप भगवान शिव या हरिहर के भक्त हैं
तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान हरिहर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।